इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन एंड इट्स होली टाइम। जी हाँ, होली आ गई है और होली के साथ होती है काफ़ी सारी फोटोग्राफी भी, क्योंकि होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स और जब कलर्स को कैप्चर करना होता है तो बेस्ट वे होता है कि आप अपने लेंसेज को यूज़ करें और मेमोरीज बनाएं। तो इस होली में आउटडोर होली तो थोड़ी मुश्किल लग रही है बिकॉज ऑफ द कोरोना, लेकिन इनडोर होली को भी आप बहुत खूबसूरती से कैप्चर कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं और मेमोरीज बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देते हैं इस होली फोटोग्राफी में, जहां आप इनडोर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं आउटडोर के साथ साथ। वील टेल यू हाउ यू कैन गेट द बेस्ट शॉट्स विद योर कैमरा स्मार्टफोन on this Holi. आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूं श्रुति शर्मा and wishing all of you a very happy Holi. Let's quickly look at some tips and tricks for the camera photography for this Holi. Well, इससे पहले हम शुरुआत करें, आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर अनुराग बैनर्जी, जिन्होंने होली के कुछ बेहतरीन शॉट्स लिए हैं और वीडियो बनाए हैं। कुछ टिप्स वो भी देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और उनकी पिक्चर्स और वीडियो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास आईफोन 12, 12 प्रो या 11 है तो आपको बता देता द बेस्ट वे टू क्लिक द बेस्ट पिक्चर राइट हियर इज स्मार्ट HDR। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसे, देखिए। और ये भी आपको बता दें कि जब आप स्मार्ट HDR को एक्टिवेट कर सकते हैं तो आप इसे टॉगल कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ में, क्योंकि तब वो आपको कैमरा ऐप में ही मिल जाएंगे। इट्स प्रीटी हैंडी टू स्विच इट ऑन एंड स्विच इट ऑफ for great pictures. So portrait mode is something that is to die for on an iPhone. So जब आप iPhone से portrait modes बनाएंगे तो आपको बता दें कि colors को आप अच्छे से capture कर सकते हैं, और अगर आप close-ups click कर रहे हैं तो portrait mode का ही पूरा फायदा उठाएं। And best part would be जब आप portrait mode इस्तेमाल कर रहे हैं तो lighting का काफ़ी ध्यान से यूज़ करिए। So the close-up shots with the bokeh effect on the portrait mode will give you the best one अगर आप close-up shots ले रहे हैं। The third tip is about the Apple Raw. जी हाँ, something जो कि हम सभी को इंतज़ार था जब हम फोटोग्राफी करते थे। Yes, the Apple Raw is the best feature of the iPhone here. Native camera app में आपको मिल जाएगा Apple Raw। क्या फ़ायदे हैं वे इसके, बताते हैं। Well, Apple Raw देता है आपको पूरा कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले ऑन द रॉ फॉर्मेट। आप पूरी तरह से अपने हिसाब से उस फोटो को चेंज कर सकते हैं, उस पर एडिट कर सकते हैं। तो आपको एक तरह से कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी मिलती है विद द रॉ फॉर्मेट। सो वी वुड सजेस्ट दैट इफ यू हैव द रॉ फॉर्मेट माइट एज़ वेल यूज इट सो दैट यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और आपको ज़्यादा एक्सेस मिले आप किस भी तरह से अपनी फोटो को एडिट या ट्रीट करना चाहते हैं उसके लिए। और वीडियोज़ की बात करें तो आपको डॉल्बी विजन मिलता है ऑन द कैमरा स्मार्टफोन। तो डॉल्बी विजन में आपको HDR फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें जो कलर्स हैं वो 60 टाइम्स और ज़्यादा बेहतरीन हो जाते हैं। डॉल्बी विजन आपको HDR कैमरा में मिल जाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू गो सेटिंग्स, रिकॉर्ड वीडियो इन दी HDR वीडियो फॉर्मेट। HDR वीडियो फॉर्मेट में आपको जितने भी कलर्स हैं वो एनहांस दिखेंगे इन योर वीडियो, एंड दिस विल बी द बेस्ट वे दैट यू कैन शूट योर होली वीडियोज़। Now let's go to Anurag Banerjee and let's see what he has to say about his photography. और कुछ उनकी फोटोग्राफी भी देखते हैं और उनसे लेते हैं कुछ कैमरा स्मार्टफोन फोटोग्राफी पे सुपर टिप्स। Hello everyone, I'm Anurag. I'm a photographer. And when I was asked to do a photograph for Holi, for shot on iPhone, I thought I would do something to do with food, because food is tied into our celebrations and any festival. I shoot on a 12 Pro Max, and you can shoot on RAW. That is a huge bonus, because it allows you to do more with the colors. It allows for greater control when you're post-processing your images. So shooting on RAW is a great idea. So if you're doing something with food and you're dropping something just to create a little bit of drama, a little bit of motion, just shoot on slow motion. You don't have to worry so much about the frame rate, which too you can control if you go into the settings, and the higher your frame rate is, the more dramatic your slow-mo. Just shoot on slow-mo, drop something, sprinkle something on your food, drop a cube of ice in a glass of thandai or whatever, and you get a really dramatic slow-mo video, and it's also very festive. Another thing when you're doing a flat lay like this to keep in mind is that your edges don't distort. You can counter that with the telephoto camera that is there, because you can stand at a distance and yet go close, and so the magnification allows the frame to not be distorted. Coming to other factors which go beyond just the phone that you're shooting on, is that when you're shooting food, you need to ensure that you have a constant source of light, that you have direct light coming in. Find a window with some direct light and you should be good to capture food or colors or shapes and shadows, and it'll look great. That's it for me. Wishing everyone a happy Holi. Stay safe, stay indoors, and all the best. So these were some photography tips जिन्हें आप use कर सकते हैं अगर आप photography कर रहे हैं, लेकिन not just for Holi, आप otherwise भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ tips हमने आपको दिए, कुछ बताई photography आपकी कैसे अच्छी हो सकती है इस Holi में। बाहर Holi ना खेलें, mingle ना करें, घर में ही बैठे, अच्छी सी गुजिया खाएं और गुलाल से खेलें। That will be the best Holi and अच्छे pictures लें जो tips हमने दी हैं उसके साथ। Well, आप सभी को happy Holi, have a safe Holi, have a very happy Holi and no mingling here. और कुछ जानना चाहते हैं comment section में लिखें, हमारे चैनल को subscribe करें और anything else that you want to know, please comment and we'll reply to you. Happy Holi to you all from TechTac.